हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। और आज आपको मैं शेयर करूँगी अपने पूरे दिन की रूटीन। पूरे दिन की रूटीन तो नहीं खैर शेयर करूँगी, मैं शेयर करूँगी सुबह वही नाश्ता करते हैं जो रूटीन होता है। आज फिर बच्चों ने स्कूल से ऑफ कर ली थी क्योंकि रात को भी बारिश होती रही है, तो बच्चे लेट सोए थे इसलिए बच्चे स्कूल नहीं गए। और वैसे भी फ्राइडे था और जल्दी ऑफ हो जाते हैं, तो बच्चे सोए रहे तो मैंने साथ बनाया था खाना। तो मैं दिखाती हूँ आज हमने खाने में क्या क्या बनाया और शाम की चाय में हम लोगों ने क्या खाया और क्या पिया। तो हमारे साथ ही बने रहना, तो चले चलते हैं किचन में। फ्रेंड्स, आज मेरे घर में बन रही है मसर की दाल, मतलब कि काली वाली दाल। आप देख सकते हैं मैंने इसको साफ़ करके और इसको भिगो के धो लिया है। और एक साइड पर मैंने रख दिया है बॉयल पानी। पानी जैसे गर्म होगा उसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं दाल। तो आपने कहीं नहीं जाना, आज मेरे साथ ही बने रहना। आज है जुम्मा मुबारक, तो आज मैं अपने घर में बना रही हूँ दाल और चावल। और दाल मैंने डाल दी है पानी में। और ये हैं कुछ मसाले, टमाटर, हरा मसाला, लाल मिर्च, नमक जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, और हल्दी भी है जो लाल मिर्चों के नीचे छुप चुकी है। ये सब चीज़ें मैं डाल दूँगी दाल के अंदर। आपको जैसे पता है सब ऐड कर दें तो दाल जैसे जैसे पत्ती जाएगी साथ ये भी सारे मसाले भी अंदर होते जाएंगे। तो जैसे ही गल जाएगी अच्छे से, इसके बाद मैं इसको लगा दूंगी ज़ीरे और लाल मिर्ची का तड़का। तो आपने कहीं नहीं रहना, मेरे साथ ही बने रहना। दाल के साथ बनेंगे चावल, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दाल तकरीबन डन होने वाली है और काफ़ी ऊपर भाप आ रही है। तो जैसे थोड़ा सा और पानी सूख जाएगा फिर मैं इसके अंदर लगा दूंगी तड़का। तो आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ ही बने रहना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जी फ्रेंड्स, ये दाल हो चुकी है मेरी डन। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी, जो कि भाप में नज़र नहीं आ रही है। एक मिनट, ये देखिए दाल हो चुकी है बहुत अच्छे से डन। और ये मैंने रख दिया है फ्राई पैन है, ये मेरा तड़के वाला फ्राई पैन है। तो इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल और अब इसके अंदर जाएगा जो तड़के में चीज़ें हैं वो आपको दिखाती हूँ। और ये है मेरा तड़का, ये है ज़ीरा और ये है लहसुन। लहसुन के तीन चौहे को मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। जब ये हल्के से रोस्ट हो जाते हैं तो दाल में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये है कुछ बड़ी मिर्चें, तो ये मैं इनका बनाऊँगी तड़का। तो आपने कहीं नहीं जाना। और ये देखिए हल्के से तड़का डन हो रहा है। जैसे ये लहसुन के जो है गोल्डन हो जाएंगे मैं इसको कर दूंगी ऐड दाल के अंदर। तो ये देखते हैं, और ये तड़का 2 मिनट के लिए इसको बंद रखेंगे क्योंकि जो सारी स्टीम है, सारे तड़के की खुशबू है वो अंदर ही रहेगी। बाज़ औकात लोग ढक्कन हटाए रखते हैं, तो आप लोगों ने ढक्कन को ऊपर ही रहने देना ताकि जो जायका है, फ्लेवर है तड़के का, वो दाल के अंदर ही रहे। और अभी मैं उतार दूंगी ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा तड़का ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी धनिया, तो मज़ेदार सी काली दाल, मसर की दाल बिल्कुल रेडी है। जिस जिसको खानी है वो आ जाए, बट अभी मैं चावल बनाऊंगी और हम खाएंगे चावल बनने के बाद। आपने मेरे साथ ही रहना है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये दूसरी ब्राउनी मैंने बनाई है जिनेडा की टीचर के लिए, तो अभी हम उनको भी देकर आएंगे। जो पहले मैंने बनाई थी वो बच्चों के लिए मैंने बनाई थी खाने के लिए, और उसके बाद अब ये दूसरी वाली जो ब्राउनी थी ये मैंने बनाई थी। ब्राउनीज आपको मैं इसकी वीडियो दिखाऊंगी। मैंने रात को बनाई थी 3 बजे, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैंने ब्राउनीज बनानी है, बच्चों को सरप्राइज़ देना है और जिनेडा की टीचर को भी। तो आपने देखना कितनी अच्छी और कितनी यम्मी सी लग रही है। तो अगर जिस किसी ने बनवानी है मुझसे, मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोग खुद घर में बनाना, आपको बहुत बनाने में मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। और ये देख सकते हैं कितना मज़े का दोबारा से बन रही है। और इसको अभी मैं करूँगी, ये मेरे जो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए केक भेजा था, मैंने उसका डब्बा और शॉपर संभाल के रख लिया था क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें संभाल के रख लेती हूँ, इसलिए कि मैं केक वगैरह खुद घर में बेक करती हूँ तो मुझे फिर इजी होती है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा, जो मैंने न्यू ईयर पे केक काटा था उसका डब्बा मैंने संभाल के रखा था। और अब मैं ये देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इसके ऊपर रख दिया था
और आप पूरी लोकेशन चेक कर सकते हैं, इतना ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी है। अब ये जाएगा डब्बे में। दुआ सब करो कि पूरा आ जाए। दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। यस, पूरा आ गया है, ये देख लो फाइनली। अब ये जाएगा ज़ेनेडा के टीचर के पास, तो फिर वो खा कर बताएंगी और वो मुझे फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे बताएंगी कि कैसे बना। तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही जुड़े रहना है। जिस जिसको केक खाना है मुझे ऑर्डर करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल करें, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी, मैंने बनाया था केक, तो बच्चों ने खाया था कल शाम को खाना। तो फिर उसके बाद खाने के बाद मैंने उनको दिया था सरप्राइज़ कि मैंने उनके लिए बनाया है यमी सा केक। तो फिर सब ने केक खूब इंजॉय किया और बहुत मज़े का ये ब्राउन चॉकलेटी केक बना था, बहुत यमी। और स्पेशली मेरे बच्चों को तो यही पसंद है, ज़्यादातर वो मुझसे यही बनवाते हैं या प्लेन स्पंज केक बनवाते हैं। तो जिस जिसने खाया सब ने बहुत इंजॉय किया, और बाकी जो फ्रिज में रखा था वो पूरी रात ज़ेनेडा खाती रही थी, क्योंकि ज़ेनेडा का भी मोस्ट फेवरेट है ये बिरयानी। और पकौड़े भी हमने इंजॉय किए थे, साथ ही पकौड़े भी हमने खाए थे। तो जाहिर सी बात है जी, खाते पीते घर से हैं तो बच्चे तो हर वक्त खाना ही मांगेंगे, और वैसे भी आपको पता है सर्दियों में भूख लग जाती है। तो हस्बैंड जी ने खाने के बाद, मैंने उनको स्वीट डिश की जगह दिया था केक, और उन्होंने बहुत इंजॉय किया था और उनको पसंद आया था, और वो कह रहे थे कि बहुत मज़ेदार और टेस्टी बना है। तो ये देख सकते हैं आप, मज़ेदार सी ब्राउनी बिल्कुल तैयार है। और मैंने फिर एक और भी बनाया था इसके साथ ही, मुझे नींद नहीं उस दिन आ रही थी तो मैंने रात को बना लिया था। तो आप भी अगर जब फारिग हो, जब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, तो आप कुछ ना कुछ कर लिया करें, इससे बेहतर कि बंदा आराम से सोया रहे। तो आप कुछ कर सकते हैं। तो ये देखिए केक की कटिंग, देखिए केक की लोकेशन, देखिए बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सा। तो मैं तो जब भी जाती हूँ सदर, एक शॉप है स्पेशली, मैं वहाँ से ये सारा सामान खरीद कर लाती हूँ केक बनाने का, और मुझे आराम से आसानी से वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। और अगर जिस जिसने केक खाना है वो आ जाए, आप लोग भी चाय के साथ केक खा सकते हैं। अगर चाय नहीं पसंद तो आपको मैं कॉफ़ी बनाकर दे दूँगी, आप कॉफ़ी के साथ ब्राउनी इंजॉय कर सकते हैं। तो यमी सा केक, और ये मैं एग से नहीं बनाती हूँ, ये एगलेस है, मैं योगर्ट से बनाती हूँ, मतलब कि दही से बनाती हूँ ये केक, और बहुत इसका टेस्ट और जायका बहुत मज़ेदार होता है। तो मेरे बच्चे तो बस इस केक के दीवाने हैं, नाम ले लो केक बनाना है। और ये देखिए पकौड़े भी मैंने बनाए थे जो कि सब ने खा लिए थे, ये मेरे शॉलमियत और ज़ेनेडा के हिस्से के हैं, क्योंकि ये लोग सो रही थी। और ये मिर्ची तो मैं स्पेशल अपने लिए फ्राई करती हूँ, बहुत मुझे अच्छी लगती है, और खानी चाहिए मिर्चियाँ भी, क्योंकि मिर्ची के अंदर होते विटामिन सी। तो हस्बैंड जी कुछ कह रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने मोटर लगाई थी, उसकी वॉइस आ रही थी, तो इसलिए आवाज़ हमने उनकी म्यूट कर दी थी। तो हस्बैंड जी आपको खा कर बताएँगे कैसे बना है। और मैं कुछ भी बनाती हूँ तो स्पेशली मैं अपने हस्बैंड से टेस्ट करवाती हूँ, क्योंकि वो खाने के मामले में बहुत ही अच्छा डिसीजन बताते हैं कि किससे केक बना है, उसका फ्लेवर कैसा। अगर चीज़ नहीं भी अच्छी बनी होती तब भी वो बता देते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आप लोगों को बता दें कि बहुत अच्छा बना है। वैसे भी अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती, वैसे मैं अच्छा कुछ बनाती नहीं, मैं सब कुछ अच्छा ही बनाती हूँ। और सिब्बल भी बैठे, ये लेफ्टी है अपने मामा की तरह, ये अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करती हैं खाने के लिए, आप देख सकते हैं कि ये क्या। तो सिब्बल अपनी नानों पे और अपने बाबा पे गई हैं, क्योंकि इनकी जी फ्रेंड्स दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और ये देख लें कितनी मज़ेदार और यमी सी दाल, और ये मेरी फेवरेट दाल है, दालों में से मेरी फेवरेट दाल ये है। और राइस भी मैंने बना ली है, और अब इसके ऊपर डालकर मैं आपको खा कर बताऊँगी। और ये सैलेड भी मैंने तैयार कर लिया है, मुँह में पानी आ रहा है, किस किस के आ रहा है जी, जिसके पानी आ रहा है वो बता दें। और ये देखिए मैं आपको खा कर बताऊंगी, मज़ेदार सी दाल तैयार हो चुकी है। तो हमारा डिनर तैयार हो चुका है, जिस जिसे खाना वो आ जाए। तो आपने यकीन इन्जॉय किया होगा, और केक भी मैंने खुद बनाए थे, आप यकीन जाने मैंने रात को बैठकर बनाए थे केक, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कोई नेकी का काम ही कर लेती हूँ। जब सब कुछ घर पे पड़ा था ना, अवेलेबल होता है, तो हम लोग जब दिल चाहे हम लोग तैयार कर सकते हैं। और वैसे भी दिन में गैस होती है ना, सिलेंडर भी, ये सब चीज़ें मुझसे बनती नहीं है,
रात को कैसे बात किया तो फिर ये मैं काम कर लेती हूँ। तो आपने बताना है आपको केक कैसे लगा, केक की लोकेशन कैसी लगी। खा के तो आप बता नहीं सकते हैं, लेकिन खाने में भी बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी ब्राउनीज मैंने बनाई थी। और अभी हम करेंगे खाना एंजॉय, आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। और फिर मिलेंगे आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ, इसी के साथ मैं अभी चल जाऊँगी। बाय।